भाजपा के पक्ष में हमेशा मतदान होता है। इंदिरा गांधी की जब मौत की लहर चल रही थी उस समय भी हम विधानसभा जीते थे। अच्छा, दरअसल आप विधानसभा की बात कर रहे हैं तो आप भी प्रबल नेता हैं, आप भी तो नगर परिषद लड़ चुके हैं। अगर आप माहौल भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट रहता है तो नगर परिषद में आप क्यों हारे? भाई को लड़ाना के अपना एक अस्तित्व बचाना था, नहीं तो अस्तित्व नहीं रह जाता, इसलिए वो लड़ गए थे। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कादिर, जैसा कि आप सभी को विदित है। पन्ना विधानसभा के जो प्रमुख नेता हैं या प्रमुख लोग हैं या जनता है, उनसे माहौल क्या है कि कार्यक्रम के तहत हम पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं संजय सुल्लेरी जी, जो यहां के प्रमुख नेता भी माने जाते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर आपकी विधानसभा का और अजयगढ़ क्षेत्र का माहौल क्या है। अजयगढ़ में भाजपा की विजय की ओर है, भाजपा के पक्ष में हमेशा मतदान होता है। इंदिरा गांधी की जब मौत की लहर चल रही थी उस समय भी हम विधानसभा जीते थे। अच्छा, दरअसल आप विधानसभा की बात कर रहे हैं तो आप भी प्रबल नेता हैं, आप भी तो नगर परिषद लड़ चुके हैं। अगर आप माहौल भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट रहता है तो नगर परिषद में आप क्यों हारे? नहीं, वो तो बहुत पहले की बात है, कुछ परिस्थिति ऐसी रहती हैं, लेकिन इस बार हमारी लगातार दो बार से पार्षद है। मगर इस बार भी आपकी परिषद में गुटबाजी देखने को मिली और आपके भाई स्वयं निर्दलीय लड़े और आपके वार्ड से राजकुमार जैन जी लड़े, क्या ऐसा कारण रहा? अब वो कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी उनको, क्योंकि हमारा टिकट काट दिया गया था और भाई को लड़ाना के अपना एक अस्तित्व बचाना था, नहीं तो अस्तित्व नहीं रह जाता, इसलिए वो लड़ गए थे। तो कई आपने प्रयास भी किए कि आप नगर परिषद के अध्यक्ष बने, प्रमुख नेता हैं, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि सीता गुप्ता जी को चुनना पड़ा? आप वो जाति समीकरण थे पन्ना में, उनको एक ब्राह्मण एक गुप्ता बनाना था, उस हिसाब से पन्ना में उनने ब्राह्मण बना दिया तो इधर गुप्ता बना दिया। तो कहीं ये लगता नहीं है कि गुटबाजी के कारण कहीं नहीं? नहीं, ऐसी गुटबाजी कहीं नुकसान नहीं है ना, गुटबाजी भाजपा में रहती है, टिकट तक मांग सब कर सकते हैं। कितने विकास कार्य हुए यहाँ पन्ना में प्रमुख, अजयगढ़ में प्रमुख? अजयगढ़ में नगर में जैसे स्टेडियम का निर्माण हुआ है, अभी अजयपाल किले की सड़क का निर्माण 6 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं DFM मद से। अन्य जैसे सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है हमारा, जो अजयगढ़ हायर सेकेंडरी की जमीन पड़ी हुई थी उसमें अतिक्रमण हो रहा था लगातार, अभी माननीय मंत्री जी ने 81 लाख रुपए मंजूर कराए हैं, उसका भी भूमि पूजन होने वाला है। 5 लाख रुपए की बाउंड्री वाल रामलीला मैदान के लिए भी उन्होंने अपने विधायक निधि से दी है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। क्या जातिगत समीकरण रहता है दरअसल घाटी नीचे का, क्योंकि 160 पोलिंग है, 1,40,000 करीब मतदाता है, क्या स्थिति बनती है? नहीं, जातिगत समीकरण थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हर जात और हर धर्म के वोट प्राप्त करती है और 10,000 वोटों से हम पिछली बार भी जीत के गए थे, इस बार उससे ज़्यादा ही जीत के जाएंगे। जी, दरअसल जो लोधी वोटर हैं या हर बार नीचे घटिया नीचे से स्टार्ट होता है कि महेंद्र पाल वर्मा है वो आ गए वहाँ से यूपी से, वो लड़ते हैं, उन्हें भी वोट देती थी यहाँ की जनता, क्या ऐसा रीजन है, वो किस तरीके से प्रचार करते हैं उन्हें वोट देती? नहीं, क्या है कि उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले हैं, उनकी कई रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन पिछली बार जैसे जो धर्मपुर मंडल है 14,000 वोट मिले थे उनको, लेकिन इस बार घट के उनको 8,000 रह गए थे। क्या स्थिति बनेगी इस बार की, अगर मान लो मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह आते हैं तो सामने कौन सा ऐसा कैंडिडेट है तो थोड़ा मोड़ा प्रबल होगा? नहीं, कोई प्रबल नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा वो कमल का फूल लेकर आएगा, वो जीत कर जाएगा। हाँ, ये थे हमारे साथ संजय सुल्लेरी जी, उन्होंने बताया कि आखिर अजयगढ़ में जो घाट नीचे प्रमुखता से बहुत ज़्यादा वोटर है और क्या माहौल रहने वाला है यहाँ का।